देखिए ये स्पाइनल से भी एक क्वेश्चन CSR नेट और गेट में आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 मार्क्स का आता है, तो हम लोग पहचानते हैं कि ये स्पाइनल होते क्या है। ठीक है भाई, स्पाइनल जो होते हैं ये तो मेटल ऑक्साइड होते हैं, हैविंग द जनरल फॉर्मूला Ab2O4। ऐसे होते हैं स्पाइनल, होते हैं ऑक्स मेटल ऑक्साइड जिसका जनरल फॉर्मूला होता है Ab2O4, Ab2O4। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी ले सकते हैं, और देखो ऐसा भी ले सकते हैं, ए एक ऑक्सीजन को यहाँ लगा दिया तो ए ओ हो गया, B2 ऑक्सीजन क्या बच गया, सिर्फ 3। ठीक है, तो ऐसे भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर ए होगा मेटल जिसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 हो। ठीक है, +2 ऑक्सीजन स्टेट वाला मेटल लिया तो ट्रांजिशन मेटल हो सकते हैं, जो +2 ऑक्सीजन स्टेट में होंगे, या कोई से ग्रुप सेकेंड वाले हो सकते हैं, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ऐसे ही जो बी होगा, ये बी जो भी होगा मेटल्स, उसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 होनी चाहिए। ठीक है, +3 या तो ग्रुप 13 वाले होते हैं, ठीक, या कोई से ऐसे ट्रांसनेटल एलिमेंट होते हैं जिनकी ऑक्सीजन स्टेट +3 हो, जैसे यहाँ पर लिखा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, स्पाइनल को पहचानना सीखते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आता है कि स्पाइनल नॉर्मल है या इनवर्स है, इनवर्स है स्पाइनल है, तो इसके लिए रूल देखो। तो रूल क्या है इसमें कि भाई अगर सपोज करो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है Ab2O4, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर मेटल जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसकी CFSC ऑक्टेटल फील्ड में ज़्यादा आती है, तो ठीक है, तो वो जो स्पाइनल होगा वो होता है प्लस सॉरी नॉर्मल स्पाइनल। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अगर जो मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जैसे यहाँ पर बी मेटल होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मेटल की अगर ऑक्टेटल फील्ड में CFSC ज़्यादा आती है, तो वो जो मेटल होता है सॉरी जो ऑक्साइड होगा वो होगा नॉर्मल स्पाइनल। ठीक है, और अगर जो मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, अगर उसकी CFSC ऑक्टेटल फील्ड में अगर ज़्यादा आती है, तो जो स्पाइनल होगा वो होगा इनवर्स स्पाइनल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है रूल, इफ CFSC फॉर B3+ आयन इन ऑक्टेटलॉइड्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ B+3 आयन इन टेट्राहेड्रल, देन द स्पाइनल इज नॉर्मल। तो एग्जाम्पल देखिए पूरा समझाते हैं। ठीक है, पर एक चीज़ नोटिस करना पड़ेगा, जैसे हम लोग कोई ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो होता है वीक फील्ड वीक लिगेंड। ठीक है, एक्सेप्ट कोबाल्ट +3 के केस में, उसके केस में जो O2 नेगेटिव है ये स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, और सभी में जो ऑक्साइड होता है ये होता है वीक लिगेंड। ठीक है, तो इसी को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, लिख सकते हैं, देखो Mn मैग्नीज 3 है यहाँ पर, तो हमने ऐसा लिख दिया Mn, इसको तोड़ दिया Mn Mn2O2, तो जो Mn होगा इसमें +2 वाला, जैसे वहां पर ए था। ठीक है, Mn2 जो होगा वो क्या होगा, +3 ऑक्सीजन स्टेट वाला मेटल जैसे बी था। ठीक, तो हमने क्या करना है, पहले हम लोग जो मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसकी CFSC कैलकुलेट कर लेंगे दोनों फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में भी और टेट्राहेड्रल फील्ड में भी। ठीक है, उसके बाद जो मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसकी भी हम CFSC कैलकुलेट कर लेंगे ऑक्टाहेड्रल में भी और टेट्राहेड्रल में भी। ठीक है, तो देखो जैसे ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो CFSC है इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। ठीक, आपको पता है मैग्नीज होता है 25 एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी 25 होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे तो 4s2 35। अब क्योंकि हम मैग्नीज +2 का निकाल रहे हैं, मैग्नीज +2 का निकाल रहे हैं, तो मैग्नीज पर +2 चार्ज है, +2 चार्ज का कहने का मतलब कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है ये लॉस हो जाएंगे, तो मैग्नीज के पास क्या बचेगा, 35 35 बचेगा। ठीक, D5 ऑक्टाहेड्रल में पढ़ रहे हैं तो स्प्लिट होगा, तो T2G नीचे EG ऊपर होता है, और जो ऑक्सीजन है ये वीक लिगेंड है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुंड के अकॉर्डिंग भरेंगे करेंगे, 1 2 3 4 5 5 भर दिए। ठीक है, तो T2G पर हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए 3, EG पर इलेक्ट्रॉन हो गए 2, इस वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे, P जो है T2J के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो Q है EG के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, -0.4 × P में इलेक्ट्रॉन कितने, 3, +0.6 × Q, Q में इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो हमारा जो CFSC आ गया वो आ गया 0। ठीक है, ऐसे हम लोग टेट्राहेड्रल में भी Mn2 का ही CFSC निकालेंगे, तो टेट्राहेड्रल में जब CFSC निकालते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, -0.27 P +0.18 Q Δ O, इसमें P जो है E के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, E में कितने इलेक्ट्रॉन है वो P हो गया, वो जो Q है T2 के इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है,
तो डी फाइव आपको पता है ऑक्टेडल फील्ड में स्प्लिट होगा तो ई नीचे आता है, टी टू ऊपर आता है, और ऑक्टेडल फील्ड हमेशा क्या होते हैं, हाई स्पिन होते हैं, ठीक है। हाई स्पिन होने की वजह से तो आपको पता है कि पांच इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे भरेंगे हुंडी के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5। ई में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन, टी टू में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी टी टू में 3, ई में 2 इलेक्ट्रॉन, टी टू में 3 इलेक्ट्रॉन। सेफ एस निकालेंगे तो 0, तो यहाँ पर भी सेफ एस 0, यहाँ पर भी सेफ एस 0, तो इससे हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा स्पाइनल है, इनवर्स है या ऑक्टाडल है। अब हम लोग जाएंगे मेटल प्लस 3, जो मेटल प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसकी सेफ एस कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो हमने मेटल को प्लस 3 में लिया, तो प्लस 3 में लेंगे जैसे मेटल को, तो प्लस 2 है, प्लस 2 में 3d5 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। तो क्या होगा, 3d4, 3d4 बचेगा, और 3d4 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे पास 3 होंगे, यहाँ पर एक ही होगा, तो ये हो गया, ठीक है। सेफ एस निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, तो पी पर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है और हमारे क्यू पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो -0.6 डेल्टा नोट। ऐसे ही इस साइड भी निकालेंगे Mn+3 की सी एफ एस सी और टेट्राहेड्रल फील्ड में, तो यहाँ पर आएगी -0.18। अब हम लोग इन दोनों का कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो मेटल प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसकी सी एफ एस सी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, टेट्राहेड्रल के कंपेयर में। तो जो स्पाइनल होगा Mn3O4 वो क्या होगा, नॉर्मल स्पाइनल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये वाला कोबाल्ट का ऑक्साइड है, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी की भी निकाल लेते हैं, ऑक्टेटल में भी निकालेंगे, सी एफ एस टेट्राहेड्रल में भी। चलो पहले कोबाल्ट जो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसकी हम सी एफ एस निकाल लेते हैं, ऑक्टेटल में भी टेट्राहेड्रल में भी। और आपको पता होना चाहिए कोबाल्ट के केस में जो ओ है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंट होता है, तो पेयरिंग कर देगा, ठीक है। तो जैसे स्प्लिट करा, सी ओ प्लस थ्री में क्या होता है, 27, 4s2 3d6 7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो हमारे पास ओनली d6 बचेगा, ठीक है। d6 के बचने के बाद सबके सब इलेक्ट्रॉन नीचे ही भर जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो t2g में 6 इलेक्ट्रॉन, eg में 0 इलेक्ट्रॉन, तो सी एफ एस निकालेंगे तो कितना आएगा, -2.4। ऐसे यहाँ पर भी निकालेंगे टेट्राहेड्रल में, ठीक है। और टेट्राहेड्रल क्या होता है, हमेशा हाई स्पिन होता है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन, तो निकालेंगे तो -0.27 डेल्टा नॉट सी एफ एस। हमने प्लस 3 की निकाली, ऐसे प्लस 2 की भी निकालेंगे, प्लस 2 की निकालेंगे तो 3d7 होगा, 7 होगा, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर यहाँ 5 होंगे, यहाँ 2 होंगे, ठीक है। और तो सही है, -0.8 आएगा, इसका आएगा -0.54। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई जो सी एफ एस सी है इसकी सी एफ एस सी क्या हो रही है, जब मेटल प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी सी एफ एस सी ऑक्टेट्राहेड्रल फील्ड में ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए क्या होगा, ये नॉर्मल स्पाइनल होगा। और एक चीज़ बहुत लोगों को डाउट होता है, जब मेटल प्लस कोबाल्ट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तभी जो ऑक्सीजन होता है वो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो जो जो लिगेंड है ऑक्सीजन वो वीक की तरह ही बिहेव करेगा। देखो ये अब नॉर्मल स्पाइनल तो पहचान लिया, अब इन्वर्स स्पाइनल को देखते हैं। इन्वर्स स्पाइनल में क्या होनी चाहिए, नॉर्मल में क्या था कि जो मेटल जो प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट में था जब हम उसकी सेफ से निकालते थे, तो अगर ऑक्टाइडल फील्ड में मेटल प्लस थ्री की सेफ से ज़्यादा होगी तो जो स्पाइनल होगा वो होगा नॉर्मल। अगर प्लस टू जो मेटल होगा प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में उसकी सेफ से अगर ऑक्टाइडल में ज़्यादा होगी तो फिर इन्वर्स स्पाइनल होगा। एग्जाम्पल देके क्लियर करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ इफ सी एफ एस ऑफ ए प्लस टू आयन इन ऑक्टेडल वॉइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टेट्राहेड्रल देन द स्पाइनल इज नॉर्मल। यहाँ पर फील्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल है निकिल और आयरन का ऑक्साइड है, इसमें आपको पता है जो निकिल है, निकिल निकिल की जगह हम लिख सकते हैं ए और इसके लिख सकते हैं बी, ठीक है। निकिल प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में है और आयरन प्लस टू में, तो पहले ऑक्टाइडल में चेक करेंगे सी एफ एस सी दोनों की, एक बार ऑक्टाइडल में चेक करेंगे एक बार टेट्राहेड्रल में। पहले हम लोग जो आयरन है निकिल जो आयरन है, आयरन की जो प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट है, आयरन को प्लस थ्री में ले रखा है, उसको एक बार उसकी सी एफ एस सी हम लोग ऑक्टाइडल में कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एक बार टेट्राहेड्रल में, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे जो मेटल जो निकिल है, निकिल जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसकी सी एफ एस सी भी एक बार ऑक्टाइडल में चेक करेंगे, एक बार टेट्राहेड्रल में, ठीक है। तो Fe3+ आपको पता है भाई जो आयरन होता है वो होता है 26, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s2 3d6 होता है।
हमारा इस पर प्लस 3 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करेंगे और एक यहाँ से, तो 3d5 बच गया। जब हम डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करेंगे ऑक्टेटल फील्ड में, तो t2g नीचे, ई जी ऊपर, फिर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे, लिगेंड है वीक, 1 2 3 ऐसे होगा। हमारे पास t2g में 3 इलेक्ट्रॉन और ई जी में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेफ है से ऑक्टेटल फील्ड में इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, -0.4 × p था, यहाँ पर p की जगह क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन, 3, प्लस 0.6 × 2 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, सेफ है से 0। ऐसे ही हम टेट्राहेड्रल में भी +3 की कैलकुलेट करते हैं, तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल में ई नीचे t2 ऊपर, ठीक है। तो अगर इसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सेफ है से आ गया 0, ठीक है। ऐसे ही हम लोग निकिल +2 की भी निकालते हैं, निकिल +2 की एक बार ऑक्टेट्राहेड्रल में निकालते हैं, फिर टेट्राहेड्रल में, फिर कंपेयर करेंगे। तो सेफ है से निकालेंगे, निकिल में क्या होता है, निकिल का 4s2 आउटर मोस्ट का 3d8, ठीक है। जब निकिल ये होगा तो +2 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 3d8 बच गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। स्प्लिट करेंगे फिर से, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो t2g में 6 आ गए, ई जी में 2 आ गए। सेफ से निकालेंगे -1.2 डेल्टा नॉट। ऐसे यहाँ पर भी निकालेंगे, यहाँ पर 4 यहाँ भरेंगे, 4 यहाँ भरेंगे, तो सेफ से निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, -0.36 डेल्टा नॉट, ठीक। अब हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर तो कोई कंपेरिजन नहीं है, अब कंपेरिजन यहाँ पर करना पड़ेगा। अब देखो ऑक्टेडल फील्ड में जो निकिल +2 है उसकी सेफ एसी ज़्यादा आ रही है टेट्राहेड्रल फील्ड के कंपेयर में, ये ठीक है। इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो ऑक्टेडल में सेफ एसी निकिल +2 की ज़्यादा आ रही है, तो जो स्पाइनल होगा वो क्या होगा, इनवर्स स्पाइनल। तो ऐसे हम किसी भी स्पाइनल को पहचान सकते हैं।